हेरा फेरी 3 को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। हेरा फेरी 3 के फैंस को इस बार एक नहीं बल्कि 3-3 खुशखबरियां मिलने वाली है। अक्षय कुमार और फिरोज नाडियाडवाला ने खुद ही हेरा फेरी 3 को लेकर कई बड़े खुलासे कर दिए। जैसा कि हमने आपको अपनी पुरानी कुछ वीडियोस में बताया था कि इस साल के अंत तक हेरा फेरी से जुड़ी बड़ी अनाउंसमेंट मेकर्स करने वाले हैं। हेरा फेरी 3 को लेकर खुद अक्षय और फिरोज नाडियाडवाला ने बड़ी अपडेट दी है। पिंक विला की एक रिपोर्ट की माने तो अक्षय कुमार बल्कि कई बड़ी कॉमेडी फिल्मों का काम शुरू करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार फिरोज नाडियाडवाला के साथ मिलकर हेरा फेरी 3, वेलकम 3 और आवारा पागल दीवाना 2 पर जल्द काम शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा अक्षय कुमार हाउसफुल 5 के लिए जल्द काम शुरू करने वाले हैं। हेरा फेरी 3, वेलकम और आवारा पागल दीवाना को लेकर अक्षय और फिरोज नाडियाडवाला के बीच कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। हेरा फेरी 3 की अनाउंसमेंट इसी साल फिरोज नाडियाडवाला द्वारा की गई थी, जिसके बाद फैंस हेरा फेरी 3 से जुड़ी एक और किसी बड़ी अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे थे। लेकिन 4-5 महीने बीत जाने के बाद भी कोई ऑफिशियल अपडेट हेरा फेरी 3 से जुड़ी नहीं आई, जिसके बाद एक बार फिर फैंस को ऐसा लगने लगा था शायद अभी और टाइम हेरा फेरी 3 की शूटिंग शुरू होने में लग सकता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हेरा फेरी 3 को लेकर एक बार फिर से चीजें पटरी पर आ गई हैं। पिंक फिला की एक रिपोर्ट की माने तो अक्षय कुमार 2023 की शुरुआत में हेरा फेरी 3 की शूटिंग का काम शुरू कर सकते हैं। हेरा फेरी 3 से जुड़ी और कई बड़ी अनाउंसमेंट्स मेकर्स करने वाले हैं। हेरा फेरी 3 से जुड़ी और बॉलीवुड से जुड़ी डेली अपडेट पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बॉलीवुड कल्ट। आपको कैसी लगी ये अपडेट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कौन सी अपडेट आप हेरा फेरी 3 को लेकर जानना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।